डॉक्टर बाई एस परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यरत सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर रीना कुमारी को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड 2020 को प्रधानमंत्री बॉक्स से देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर बाई एस परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के वनस्पति विज्ञान विभाग में कार्यरत सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर रीना कुमारी को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड 2020 को प्रधानमंत्री बॉक्स से देखने के लिए आमंत्रित किया गया। डॉक्टर रीना भारत सरकार के केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा देश भर से चुने गए उन 100 मेधावी छात्रों में से एक हैं, जिन्हें इस वर्ष इस कार्यक्रम को देखने का सुनहरा अवसर मिला है। यात्रा का खर्च और रहने का प्रबंध मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा खर्च किया जाएगा। जिला हमीरपुर के एक छोटे से गांव कश्मीर की रहने वाली डॉक्टर रीना कक्षा प्लस टू में अपने स्कूल की टॉपर थी। उन्होंने वर्ष 2009 में नौणी विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई आरंभ की है। डॉक्टर रामेश भारद्वाज के मार्गदर्शन में डॉक्टर रीना ने सब्जी विज्ञान के विषय में मास्टर और डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की है, जिस दौरान उन्होंने खीरे की नई किस्मों के सुधार और विकास पर कार्य किया। डॉक्टर रीना ने अपनी पीएचडी कार्यक्रम में स्वर्ण पदक हासिल किया है। एमएससी और पीएचडी कार्यक्रम में 88.60% अंक प्राप्त किए हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने 8 शोध पत्र, 1 पुस्तक अध्याय, समीक्षा पत्र और लेख भी प्रकाशित किए हैं। डॉक्टर रीना ने जेआरएफ और एसआरएफ जैसी विभिन्न परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण किया है। देश की गणतंत्र दिवस की भव्य परेड को प्रधानमंत्री बॉक्स से देखने का सुनहरा अवसर मिलने पर डॉक्टर रीना ने केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय का धन्यवाद किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल, वरिष्ठ अधिकारियों और छात्रों ने डॉक्टर रीना को उनके चयन पर बधाई दी। रीना कुमारी है, मैं जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। वर्ष 2019 में मैंने डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी हर साल अक्रॉस द कंट्री 100 स्टूडेंट को बुलाती है पीएम बॉक्स से 26 जनवरी की परेड देखने के लिए। इस साल मुझे भी आमंत्रित किया गया है कि मैं राजपथ से 26 जनवरी की परेड का लुत्फ उठा सकूं। सो इस चीज़ के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस अवसर के लिए मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल, विभाग के एचओडी सर और अन्य प्रोफेसर तथा खासकर मेरे गाइड डॉक्टर रमेश कुमार भारद्वाज जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे समय समय पर अपना मार्गदर्शन दिया है। हमारे एक स्टूडेंट जो है वेजिटेबल साइंस डिपार्टमेंट की छात्रा डॉक्टर रीना कुमारी, जिनको कि इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उस अवसर पर दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ एड्रेस करते हैं वहाँ सलामी लेते हैं, उस बॉक्स प्राइम मिनिस्टर बॉक्स से बैठने का मौका दिया गया है। ये इनका चुनाव जो है 100 जो छात्र हैं उनके बीच में हुआ है, जो कि सारे देश से जो मेधावी छात्र होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं अपने अपने विषयों में, उनको लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो भारत सरकार का है इस प्रक्रिया को पूरा करता है, और उसको प्रक्रिया पूरा करते हुए हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। विश्वविद्यालय का नाम इन्होंने ऊंचा किया है और मैं इस अवसर पर डॉक्टर रीना कुमारी, इनके माता पिता, इनके अध्यापकगण, सभी जो इससे जुड़े रहे शिक्षा के दौरान, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर सारे विश्वविद्यालय को खुशी का मौका मिला।